नमस्कार दोस्तों, पैराडाइज रैबिट फार्मिंग में आपका स्वागत है। हमारी वीडियोस में हम आपको बताते हैं कि आप कैसे खरगोश पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे खरगोश पालन के लिए जगह के चुनाव और शेड निर्माण के लिए ध्यान देने योग्य बातों के बारे में। सबसे पहले खरगोश पालन के लिए जगह के चुनाव के बारे में जानते हैं। खरगोश पालन के लिए बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है। इसे घर की बाड़ी आंगन में भी पाला जा सकता है, लेकिन यदि बात व्यवसाय की जाए तो इसके लिए आपको अलग से एक गोदाम बनाना पड़ सकता है। कितना बड़ा यह आपके फैलाव पर निर्भर करता है। दो खरगोश पालने के लिए 2x2 का एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो मान लीजिए यदि आप 20 खरगोश के लिए फ्रेम बनवाते हैं तो आपको 10x4 का फ्रेम बनवाना पड़ेगा, और इसी तरह 100 खरगोशों के लिए 25x15 या इससे बड़े गोदाम की आवश्यकता होगी। आप जानते हैं शेड निर्माण के लिए ध्यान देने योग्य बातों के बारे में। खरगोश को जालीनुमा फ्रेम बॉडी में रखें। खरगोश पालन के लिए जिस जगह का चुनाव करें वह वातावरण के अनुकूल होना चाहिए। ऐसे जगह पर खरगोश पालन करें जहां हवा का आवागमन हो। गर्मियों में अधिक से अधिक 38 डिग्री तक खरगोश तापमान सहन कर सकते हैं, इसलिए गर्मियों में उचित रखरखाव करें। खरगोश को जमीन से 1 या 2 फीट की ऊंचाई पर रखना चाहिए, जिससे उनका मलमूत्र आसानी से नीचे गिर जाए। खरगोश को बिल्ली और कुत्तों से बचाने के लिए विशेष इंतजाम भी करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप खरगोश पालन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमसे संपर्क करें और हमारा यूट्यूब चैनल पैराडाइज रैबिट फार्मिंग सब्सक्राइब कर लें।